इंडियन नेशनल लोकदल की सिरसा जिला शाखा ने पार्टी के नेता ओम प्रकाश चौटाला द्वारा संगठन में किए गए फेरबदल का समर्थन किया है। पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में जिला प्रधान पदम जैन ने कहा कि संगठन में परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया है। उनका इशारा सांसद दुष्यंत चौटाला को पद से हटाने की तरफ था। पदम जैन ने कहा कि इनेलो एक अनुशासित पार्टी है और सभी कार्यकर्ता अपने नेता ओम प्रकाश चौटाला के निर्णय से साथ हैं। इस मौके पर सांसद चरणजीत रोड़ी, विधायक मक्खनलाल और विधायक रामचंद्र कंबोज भी मौजूद थे। आइए जरा जिला प्रधान पदम जैन के इस अंदाजे ब्याह का जायजा लेते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो संगठन है और अनुशासन जो है वो पूरे देश के अंदर एक अपनी अलग मिसाल बनाए हुए हैं, और दूसरी पार्टियां भी हमेशा ये कहती है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन हमेशा से मजबूत रहा है और संगठन के अंदर बदलाव समय समय पर होते रहे हैं। ये सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नहीं बल्कि सभी पार्टियां समय समय पर संगठन में बदलाव करती रहती है। इसी के तहत अभी कुछ समय पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने भी कुछ बदलाव किए, क्योंकि 2019 के अंदर देश और प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, उसके तहत संगठन में और तेजी आए, संगठन के कार्यकर्ता और अच्छा संगठन को मजबूत करने का काम करें, और अनुशासन के मामले में भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से एक अनुशासित पार्टी रही है, और इस अनुशासन के तहत ही परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने जो ये फैसले लिए उनकी हम सराहना करते हैं। आज भी परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के हमारे सारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और वो जो भी फैसला लेंगे या जो फैसला लिया है हम उनका सर्वसम्मति से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इनेलो में चल रही खींचतान के बारे में अपनी राय भी हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।